जहां पर नोएडा प्राधिकरण सीएम के सामने झूठे आंकड़े रखता है। देखिए, जिन परियोजना का सीएम ने शिलान्यास किया नहीं वो पूरी नहीं हुई। देखिए, जिसका शिलान्यास किया वो पूरी नहीं हुई, सभी परियोजनाएं अपने समय से 2 साल तक लेट चल रही है। लेट परियोजनाओं से लाखों लोग रोज जाम में फंसते हैं। पतला, बंगेल, एलिवेटेड, नोएडा एक्सप्रेसवे पर बहुत सारा काम बाकी है। सरकार की मंशा से नोएडा की हकीकत कोसों दूर है। तो झूठे आंकड़े जो है वो मुख्यमंत्री के सामने नोएडा प्राधिकरण पेश करता है। नोएडा विकास प्राधिकरण मुख्यमंत्री के सामने झूठे आंकड़े पेश करता है, झूठी चीजें रखता है। मुख्यमंत्री जिन परियोजनाओं का बहुत पहले शिलान्यास कर चुके हैं, उन परियोजनाओं का जो समय है वो खत्म हो चुका है, लेकिन आज तक वो परियोजनाएं शुरू नहीं हो पाई। ये कहें शुरू हो चुकी हैं, अभी तक खत्म नहीं हो पाई। चाहे वो पतला गोल चक्कर हो, बंगेल एलिवेटेड रोड हो, नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच में बनने वाले 3 गांवों को जोड़ने वाले अंडरपास हो, सबका काम जारी है और लोग परेशान होते हैं भारी जाम से। इस वक्त हम नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ही खड़े हैं। यहाँ पर भी ये जो आप अंडरपास देख रहे हैं, इस अंडरपास को काम इसका चलते हुए तकरीबन 3 साल से अधिक हो चुका है, 4 साल से अधिक हो चुका है, जबकि इसका शिलान्यास बहुत पहले हो चुका था, 2 साल का इसका वक्त था। समय पे काम पूरा न करने की वजह से इस पर जुर्माना भी लगाया गया है। इस तरीके से बीच में अवरोधक बने रहते हैं। जो ये नोएडा ग्रेटर नोएडा का रूट है, यहाँ पर रोज शाम को, रोज सुबह यहाँ पर जाम लगता है। हालांकि चूंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो हरी पट्टी बाकायदा लगा दी गई है कि इस तरफ कोई देख ना पाए। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ चीजों को छिपाने का काम होता है। मुख्यमंत्री के सामने जब चीजें रखी जाती हैं तो वो जो आंकड़े होते हैं वो पूरी तरीके से झूठे होते हैं, बेबुनियाद होते हैं। उन परियोजनाओं को, जिन परियोजनाओं को अब तक पूरा हो जाना चाहिए, आम लोगों के सुपुर्द कर देना चाहिए, आम लोग उसकी जो सेवाएं हैं वो लेना शुरू कर देना चाहिए, वो आज तक अभी तक नहीं हो पाया है। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार और सीएम क्या कार्यवाही करते हैं जिससे कम से कम जो दसियों लाख लोग जाम में फंसते हैं हर दिन, उन लोगों को इस जाम से निजात मिल पाए और सरकार के सामने सही आंकड़े आ पाए। जिसका शिलान्यास सरकार कर चुकी है, जो समय तय था उस समय में ये परियोजनाएं पूरी हो सके। कैंपन सारित के साथ दानिश रीत, भारत समाचार, नोएडा। तो देखिए, इसी खबर पर हमारे साथ दानिश जुड़ गए हैं नोएडा से। दानिश, जिस तरह से आपने आपको बता दें कि ये जो तमाम जो परियोजनाएं शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, समय पर पूरी नहीं हो पाई और कहा जाए कि जितना वक्त था उससे बल्कि डबल जो है वो वक्त बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद काम अभी भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखा जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। दानिश, बिल्कुल। देखिए, जब भी कोई सरकार या कोई भी मुख्यमंत्री जब किसी भी परियोजना को लागू करते हैं या उसका शिलान्यास करते हैं तो उसका समय सीमा रहती है, और साथ ही जब नोएडा विकास प्राधिकरण कोई टेंडर निकालता है उसकी भी समय सीमा होती है। ऐसे ही तकरीबन 4 परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री काफी पहले कर चुके हैं, लेकिन अभी अभी तक उन परियोजनाओं का जो काम है वो इतना ज्यादा बाकी है कि आने वाले साल या 2 साल में भी लगता नहीं है कि वहां पर काम हो पाएगा, क्योंकि वहां पर जो काम है वो इतना धीमा है, इतना ज्यादा धीमा है। जब वहां पर काम ही नहीं होगा तो वो अपने समय सीमा में पूरा कैसे होगा। तो यहाँ पर भी पथला अगर गोल चक्कर की बात कर लेते हैं तो उसका जो समय था सिर्फ 10 माह था और आज 2 साल बीत चुके हैं और वहां पर काम अभी जितना बाकी है तो ऐसा लग रहा है 1.5 साल और लगेंगे। जो एलिवेटेड रोड का काम था बंगेल का, उसके साल भर का वक्त था, उसका 2 साल बीत चुका है, यानी 1 साल आगे चल रहा है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि 1 साल और लगेंगे उस काम को पूरा होने में। ऐसे ही जो है अंडरपास की जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है उसके नीचे जो अंडरपास बनने की परियोजना है वो भी 1.5 साल 2 साल डीले चल रही है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो इस परियोजनाओं का जो नुकसान है उनको आम आदमी उठाता है, क्योंकि ये सारे जो इलाके हैं वो कनेक्टिंग रोड है, यानी ये परियोजनाएं इसीलिए लाई गई थी कि हाँ यहाँ पर जाम न लगे। बिल्कुल दानिश, कहीं ना कहीं और इसी वजह से जो है कहा जाए कि ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि तमाम जो परियोजना है वो अपने समय पर पूरी हो। दानिश बढ़े, आप हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी।